स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसमें सीनियर सिटीजन्स और पेंशन धारकों को एक साथ बहुत बड़े बड़े तोहफे मिल रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन या फिर पेंशन धारक हैं तो उनको ये खबर ज़रूर पहुँचाए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। भारत सरकार आयकर अधिनियम 1961 के तहत सीनियर सिटीजन्स और अति वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार की छूट और लाभ प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन और 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को अति वरिष्ठ नागरिक यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत सरकार की तरफ से वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों को विविध प्रकार की छूट और लाभ दिए जाते हैं। उनके लिए उपलब्ध छूट और लाभों को हम निम्न अनुसार बता रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स को मिलती हैं कौन कौन सी छूट। सबसे पहले है आयकर में छूट। सामान्य नागरिकों के लिए 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 वर्ष से अधिक के लिए 3 लाख तक की छूट होती है। अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी कि जो 80 वर्ष से अधिक के हैं उन्हें 5 लाख रुपये तक के इनकम में आय की छूट होती है। अग्रिम कर में छूट मिलती है। वरिष्ठ या अति वरिष्ठ नागरिकों को अग्रिम कर यानी कि एडवांस टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है यदि आयकर वर्ष 10,000 से अधिक है तो। नंबर 3 पे आता है पेंशन पर मानक की कटौती है। पेंशन पर 50,000 की मानक कटौती प्रदान की जाती है। चौथे नंबर पर चिकित्सा बीमा प्रीमियम मिलता है। वरिष्ठ या अति वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सा व्यय के लिए 25,000 की बजाय 50,000 प्रति वर्ष की छूट दी जाती है। पांचवे नंबर पर आता है विकलांगता के आधार पर छूट। वरिष्ठ या अति वरिष्ठ नागरिकों की धारा 80DD के अंतर्गत विकलांगता के आधार पर 75,000 रुपये से लेके 1,09,000 तक की छूट दी जाती है। छठे नंबर पर आता है निर्दिष्ट बीमारियों के लिए छूट दी जाती है। वरिष्ठ या अति वरिष्ठ नागरिकों की कैंसर, एड्स, पार्किंसन, डिमेंशिया आदि जैसी बीमारियों के इलाज के लिए 1 लाख तक की छूट दी जाती है, जबकि अन्य नागरिकों के लिए यह छूट 40,000 तक है। ब्याज के आय पर भी छूट मिलती है। वरिष्ठ या अति वरिष्ठ नागरिकों को आयकर अधिनियम धारा 80TTA के तहत बैंक डाकघर से मिलने वाले आय पर 50,000 रुपये प्रति वर्ष की छूट दी जाती है। नंबर 2 पे आता है आयकर रिटर्न दाखिल करना। वरिष्ठ नागरिकों को कागज पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति है, जबकि अन्य नागरिकों के लिए ई फाइलिंग अनिवार्य है। फॉर्म नंबर 15H का उपयोग। वरिष्ठ या अति वरिष्ठ नागरिक RD, FD, लाभांश और पेंशन के साथ साथ अन्य निवेशों से आय के लिए बैंक से TDS यानी स्रोत्र पर कर कटौती का दावा करने के लिए फॉर्म नंबर 15H का उपयोग कर सकते हैं। रिवर्स मॉर्गेज पर छूट। संपत्ति के रिवर्स मॉर्गेज को पूंजीगत लाभ में नहीं गिना जाएगा और इसे आय में जोड़ने की छूट दी जाएगी। नंबर 5 पे आता है आयकर रिटर्न में छूट। यदि वरिष्ठ नागरिकों की आय का एकमात्र स्रोत पेंशन और जमा राशि पर ब्याज आदि है तो बैंक आयकर कटौती के लिए जिम्मेदार होगा और 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट दी जाती है। आशा करते हैं कि ये जानकारी वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभदायक होगी। और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।